रायसेन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा सिलवानी विधायक रामपाल सिंह द्वारा सुल्तानगंज में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 4 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया और 1,32,00,000 रुपए से अधिक की राशि के कार्यों का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि लोगों के विकास और कल्याण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। लोगों को इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े, उन्हें पास में ही इलाज मिल जाए, इसके लिए नए नए अस्पताल स्वास्थ्य संस्थाएं खोल रही है। सुल्तानगंज में जल्द ही 4 करोड़ रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भव्य भवन बनकर तैयार होगा, जिसमें इलाज की सभी सुविधाएं मिलेंगी। लोगों को सागर या कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सिलवानी विधानसभा क्षेत्र के अनेक गाँव में भी नवीन स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। साईखेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन किया है जो 1,64,00,000 का है और आज सुल्तानगंज में 30 बिस्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन जिसकी लागत लगभग 4 करोड़ है उसका भूमि पूजन किया है। इसके पहले आपने देखा कि बेगमगंज में भी 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल, बेरखेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये सारी योजनाओं का और स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पर अस्पतालें खोली जा रही हैं।